मुनव्वर को वहां जाके फंसाया गया पूरा, तो वो भी मुनव्वर देखिए सीधा साधा सच्चा इंसान है, वो भी डर के बेचारा डर रहा हुआ, थोड़ा सा डर भी रहा है कि यार मेरी इमेज खराब करने के लिए आयशा आई है, उसको मालूम है ये, लेकिन वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उसके अगेंस्ट मैंने भी इसलिए आयशा खान के अगेंस्ट एक्शन लिया है कि बाहर आके भी उसको काफ़ी प्रॉब्लम का आयशा को सामना करना है, उनको इमीडिएटली यहाँ पे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आयशा खान की प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे ऑडियंस को, पूरे इंडिया के ऑडियंस को, कि मुनव्वर फारूकी ही बिग बॉस 17 का विनर है, वो एक ही चैंपियन है, एक ही चैंप है मुनव्वर फारूकी घर के अंदर, जिसकी वजह से लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोग वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से शो की TRP बढ़ रही है। बट उसमें एक प्रॉब्लम की बात यह आ गई, जो आयशा खान जो लड़की आई है वो सिर्फ एक प्लानिंग से आई है, मुनव्वर फारूकी की इमेज ख़राब करने के लिए, जबकि वो ये भूल गई है कि करोड़ों मुनव्वर फारूकी के जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं, वो मुनव्वर को किसी भी हाल में अकेला छोड़ेंगे नहीं। और आयशा खान अगर मुनव्वर फारूकी को अकेला समझ रही है तो ऐसा नहीं है, फैज़ान अंसारी उसके साथ है, मुनव्वर फारूकी घर के अंदर है, फैज़ान अंसारी घर के बाहर है, फिर भी मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ मुनव्वर फारूकी का, और सपोर्ट करता रहूँगा आखिरी दम तक, जब तक मुनव्वर फारूकी के पास बिग बॉस 17 की ट्रॉफी नहीं आएगी, जब तक मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा। ये मुनव्वर को वहाँ जाके फंसाया गया पूरा, अभी शो के अंदर उसको मालूम मुनव्वर को कि उसकी वजह से शो चल रहा है, तो अभी आयशा ने ऐसा प्लान किया है कि मुनव्वर फारूकी से अब दोस्ती भी कर रही है, बात भी कर रही है, तो वो भी मुनव्वर देखिए सीधा साधा सच्चा इंसान है, वो भी डर के बेचारा डर रहा हुआ, थोड़ा सा डर भी रहा है कि यार मेरी इमेज ख़राब करने के लिए आयशा आई है, उसको मालूम है, पहले अच्छे रिस्पॉन्स दे नहीं रही थी, अभी आयशा खान को मुनव्वर की वजह से सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस के घर में, तो आयशा उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रही है। और आयशा खान एक इन्फ्लुएंसर, एक एक्टर है, वो अंदर भी एक्टिंग कर रही है, दुनिया को मालूम है, आयशा खान एक फेक लड़की है, दुनिया को दिख रहा है कि वो अंदर अपना गेम खेल रही है, अपनी एक्टिंग कर रही है। सो मुझे लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए और मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करना चाहिए। और आयशा, जैसे मनारा चोपड़ा ने भी कहा कि आयशा खान सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नाम यूज़ करके आई है, नहीं तो मुनव्वर फारूकी की वजह से आयशा खान अंदर आई है, नहीं तो आयशा खान बिग बॉस में कभी भी वाइल्ड कार्ड में नहीं जा पाती। तो उसको एक चीज़ मिल गई है, उस चीज़ का वो अंदर यूटिलाइज़ कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उसके अगेंस्ट मैंने भी इसलिए आयशा खान के अगेंस्ट एक्शन लिया है कि बाहर आके भी उसको काफ़ी प्रॉब्लम का आयशा को सामना करना है, इतना आसान नहीं है किसी को भी ब्लेम करना। अगर उसने सोचा मुनव्वर फारूकी के साथ कुछ भी कर दो कोई जवाब देगा नहीं, बट वो भूल गई थी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, मैं हमेशा सच्चाई के लिए स्टैंड लेके आया हूँ, इस बार फिर मुनव्वर फारूकी की सपोर्ट में हूँ। मैंने ट्विटर पे भी क्लियर मेंशन किया है, ट्वीट में भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह पे, फेसबुक पे भी, कि मुनव्वर फारूकी ही विनर है, उनकी वजह से ही शो चल रहा है, उनकी वजह से ही शो का TRP बढ़ रहा है, और लोग अगर देखना चाहते हैं तो सिर्फ मुनव्वर फारूकी को देखना चाहते हैं। तो आयशा खान जो है एक फेक लड़की है, मैं आपको बताऊँ, उसके आप वीडियोज़ देखिए, और जिस तरह की भी वो बात कर रही है तो एक तरह से वो लोगों को डरा रही है अंदर आके, और मुनव्वर फारूकी की इमेज ख़राब कर रही पूरी दुनिया में, जो हम ऐसा बाहर होने नहीं देंगे। हम सब मुनव्वर फारूकी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। देखिए, मेरी लीगल टीम ने उन पर डेफिमेशन केस फाइल कर दिया है, और उसके लिए उनको इमीडिएटली यहाँ पे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आयशा खान की प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ आयशा खान को कोई मैसेज पहुँचा सकता है बिग बॉस के घर में तो पहुँचाए, कि अभी फैज़ान अंसारी के सामने उसका सामना होने वाला है, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, सब जगह पर। तो मुनव्वर फारूकी की पीछे पड़ना आयशा छोड़ दे, उससे माफ़ी मांग ले इमीडिएटली, बाहर आके माफ़ी मांग ले, और घर से उसको बाहर भी करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि वो एक जो रेप्यूटेड इंसान है, जिसका बॉलीवुड इंडस्ट्री में इज्जत से नाम लिया जाता है, उसकी इमेज ख़राब कर रही है आयशा खान मुनव्वर फारूकी की। तो मुझे लगता है आयशा को तुरंत बाहर आना चाहिए, और अभी इन सब चीज़ों का सामना करना चाहिए, जो कि अब आयशा के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लास्टली मैं ये कहूँगा कि मुनव्वर फारूकी को हर इंसान सपोर्ट करे, वो एक सच्चा इंसान है, और आयशा खान एक फेक लड़की है। इस तरह के लोगों को बिग बॉस में लेना ही नहीं चाहिए, जिनकी वजह से शो की इमेज खराब हो रही है, लोगों की इमेज खराब हो रही है। हज़ारों लोग ट्वीट कर चुके हैं मुनव्वर फारूकी को लेकर कि आयशा गलत कर रही है, मुनव्वर एक रियल बंदा है, जेन्युइन बंदा है, एक शो जीत के ऑलरेडी आया है। तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दें, आयशा खान को, आयशा खान जैसी लड़कियों को अवॉइड करें, और प्लीज़ मुनव्वर फारूकी के लिए ट्वीट करिए, उसको टैग करिए, इंस्टाग्राम पे टैग करिए, और मुनव्वर फारूकी को ही ट्रॉफी लेके मैं चाहता हूँ बॉम्बे में हमारे पास वापस आए, ताकि खुशी का माहौल और बढ़े। बस यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। जैसे कि हम जानते हैं आप भी काफ़ी बिग बॉस में आपको जाने का उम्मीद है, तो आपको क्या है, आपको अगर बिग
जी देखिए, अगर अप्रोच किया तो ऑफकोर्स जाना चाहूँगा, एक इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन वहाँ जाके जो रियल चीज़ें हैं वही दिखाऊँगा, और जो गलत है उसके अगेंस्ट स्टैंड लूँगा, भले वो अंदर हूँ या बाहर हूँ, भले मुझे शो में रखते हैं या शो के बाहर करते हैं, लेकिन जो सच है उसका सामना लूँगा, किसी से डरूंगा नहीं, किसी से पीछे नहीं हटूंगा, वो मेरे नेचर में ही है एक्चुअली। सो हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जाके सच्चाई का साथ दूंगा, और जो भी अच्छा करेगा उसको सपोर्ट करूंगा हमेशा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।